वेलकम टू मुन्ना क्लासेस, आई एम नवदीप कौर। फ्रेंड्स, हमारी आज फाइनली सभी बुक्स लाइव हो चुकी हैं। सो मैं आपको समझाती हूँ कि कौन सी बुक में आपको क्या क्या मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ये है हमारी सभी बुक, जिसके अंदर अभी अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है हमारी क्वेश्चन बैंक, जो कि आप देख सकते हो काफी है इसकी चौड़ाई, और अगर हम इनसे देखें तो पिछली बार से काफी बड़ी है, मोटी है, क्योंकि इसमें काफी सारे क्वेश्चन एड हुए हैं इस बार, तो इसलिए। और ये है हमारी कंसेप्ट बुक। सो ये टोटल पेपर वन की कंसेप्ट बुक एंड क्वेश्चन बैंक अगर आप लेते हैं तो इसमें सारे ए टू जेड कंसेप्ट आपके कवर हो जाते हैं। मैंने हर चीज कवर करी है, और बल्कि जो न्यू थ्योरीज हैं वो सारी कवर की हैं, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड, ICT, कम्युनिकेशन, हर जगह, और मैथमेटिकल रीजनिंग के बहुत अच्छे से मैंने समझाए हैं। अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है तो क्वेश्चन बैंक में मिलेंगे। सो इस तरीके से आपका ए टू जेड पेपर कवर होता है। देखो, अगर आप कहेंगे कि एक ही में, तो ये इतनी मोटी है ना, ऑफ कोर्स ये आपका पेपर वन पूरा ए टू जेड कवर करते हैं, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। एंड फ्रेंड्स, अभी और मैं बताती हूँ, जो कॉमर्स है, कॉमर्स की बुक के अंदर, एक ही बुक के अंदर आपको सारे कंसेप्ट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिल जाते हैं। मतलब कि पेपर वन का जो कंटेंट है वो ज्यादा होता है ना। सो पेपर वन के दो मिला के आपका कंसेप्ट और क्वेश्चन बैंक कवर हो रहा है ये, एंड पेपर टू कॉमर्स का एक में सारा है। और इसके अंदर भी आपके सारे प्रीवियस क्वेश्चन 2012 से लेकर 2021 तक के हैं, क्योंकि कॉमर्स का पेपर 21 तक हुआ था, 2022 के लिए है ये पेपर। एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी दिए हैं मैंने, और एक्सप्लेनेशन और सारे का सारा कंसेप्ट भी दिया है। तो चलिए, आइए अब हम बुक के बारे में समझते हैं कि कैसे पढ़ना है। सो फ्रेंड्स, वी हैव ऑल दी स्टफ्स विद अस। सो ये कॉमर्स वाली जो है, इसके अंदर मैनेजमेंट के 7 यूनिट्स भी कवर हो जाएंगे। एंड ये हमारी पेपर वन की क्वेश्चन बैंक एंड पेपर वन की कंसेप्ट बुक। तो आपको समझाती हूँ, इन दोनों को ही, जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश मीडियम है, ठीक है। और अगर आपको इसकी हिंदी मीडियम चाहिए तो कुडोज ई लर्निंग ऐप का इसके अंदर कोड गिवन है, तो इसके अंदर जाके आप इसकी हिंदी मीडियम अनलॉक कर पाएंगे सप्लीमेंट, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने पुरानी वाली क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी ली हुई है, उनको ओनली 2022 के क्वेश्चन चाहिए, तो वो कुडोज ई लर्निंग ऐप से ई बुक ले सकते हैं, उसका कुडोज ई लर्निंग ऐप में जाके आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और जिनको कंप्लीट बुक चाहिए उनके लिए यही बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे कवर कर रखे हैं। तो अभी हम ये नई लॉन्च हुई है, तो उसके बारे में जल्दी पहले बता देते हैं। तो इसके अंदर 2012 से लेकर 2022 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हैं, रिसोल्यूशन, और सभी लर्नर्स को मेरा एक तरीके से मैसेज भी मिलता है, ठीक है। सो ये हमारा स्कोर कार्ड है, हमेशा से नव लर्नर मैक्सिमम मार्क्स लेकर आते रहे और लेकर आते रहेंगे, ठीक है। और तो जहाँ पे ये ऐड है इसी के ऊपर कोड दिया है, जहाँ से आप अनलॉक कर पाएंगे कुडोज ई लर्निंग ऐप के अंदर, ठीक है, ई बुक हिंदी मीडियम सप्लीमेंट इसका, ठीक है। सो ये रहा हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। अगर आप इंग्लिश में लेते हैं तो इसकी ई बुक हिंदी में भी आपको मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2021 से लेकर 2002 के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी के सारी 36 शिफ्ट हुई थी, तो 1800 क्वेश्चन तो ये हो गए। इसके पीछे 2022 के सारे क्वेश्चन इसके बाद शुरू होंगे, फिर 2029 के, और सारे यूनिट वाइज है, लाइक टीचिंग एप्टीट्यूड की ऑल यूनिट्स शिफ्ट, फिर रिसर्च एप्टीट्यूड की ऑल शिफ्ट, और इनके आंसर की इस पेज पे ही देखनी है, इससे कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। और बहुत इलेबोरेट वे में मैंने टेबल ऑफ कंटेंट भी बनाया है, और यहाँ पर आते आपको सारे के सारे यूनिट्स के एक्सपेक्टेड MCQs भी मिल जाएंगे, जो मैंने खुद बनाए हुए हैं, ठीक है। और अगर आप बात करेंगे कि कुछ इस तरीके से सारे मिल जाएंगे, और एक सेकेंड, हाँ, एक और बहुत अच्छी चीज़ जो मैं बताना भूल गई इस बुक का, कि यहाँ पर 2012 से अवेलेबल है, लेकिन इसका सप्लीमेंट अगर आप अनलॉक करेंगे तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को 2004 से 2011 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन है कि सप्लीमेंट कैसे अनलॉक करना है, वो कोड के ऊपर मैंने हाथ रख लिया है। इस सप्लीमेंट से आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2004 से 2011 तक के भी, तो मतलब इस बुक के अंदर आपको 12 से 22 मिल रहे हैं, 12 to 22, एंड 2004 से 11 तक के आपके मिस नहीं हुए, वो आपको ई बुक फॉर्म में सप्लीमेंट के अंदर अनलॉक कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको सप्लीमेंट नहीं लेनी आएगी तो फिर फ्रेंड्स आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा, एंड फिर मैं आपको दे दूंगी। आपको अपना इनवॉइस दिखाना होगा या बुक
का कोई प्रूफ कि येस यू हैव द बुक, और ईमेल आईडी मेरी बुक के अंदर गिवन है. एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, कुडोज ई लर्निंग ऐप में अपना साइन अप कर लीजिएगा अगर आपने अभी अकाउंट नहीं बना रखा, सो दैट आई कैन गिव. ठीक है, जो मैथमेटिकल रीजनिंग है उसके हर एक क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सॉल्व किया है. ठीक है, और डेटा इंटरप्रिटेशन का भी अच्छे से सॉल्व किया है. और जो बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसमें जो क्वेश्चन डिफिकल्ट है वो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन एक्सप्लेन भी किए हैं. और बाकी जिनके कंसेप्ट मेरे ये वाली कंसेप्ट बुक में अवेलेबल है तो उसको मेरे को दो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है. अगेन पेजेस का फिर लॉस ही होता है. ऑलरेडी आपको बोला है कि पेपर वन का पूरा कंटेंट इन दोनों को मिला के होगा, तो इसमें ऑलरेडी अगर कंसेप्ट गिवन है तो उसमें मैंने दोबारा रिपीट नहीं किया है ऑफकोर्स. ठीक है, सो ये देख लो, अब हम आ जाते हैं अपनी कंसेप्ट वाली बुक में. तो पढ़ने का तरीका ये है कि हर यूनिट का कंसेप्ट पढ़िए और उसके ऊपर टारगेट लगा लीजिए. डेली के मैंने 50 क्वेश्चन इस यूनिट से पढ़ने हैं. अब अगर आपने वो यूनिट कंप्लीट कर ली कंसेप्ट वाइज, फिर उसके बाद उसके अगली यूनिट्स पकड़े, लाइक रिसर्च एप्टीट्यूड. फिर रिसर्च एप्टीट्यूड के तब तक जितनी देर तक आपके कंसेप्ट लग रहे हैं यहाँ पर एमसीक्यूज लगाने हैं. डेली का टारगेट सेट कीजिए, ऐसा करके हम स्टडी करेंगे. ठीक है, और आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से ये न्यू थ्योरीज है जो इस बार ही आई हैं वो भी मैंने डाली है. ये सारा मैंने खुद अपने हाथों से चार्ट बनाए हैं और मेरी ही लैंग्वेज में पूरा कंटेंट गिवन है और सारी टिप्स ट्रिक्स एवरीथिंग ये कंसेप्ट वाली बुक में है. तो आपको अब उस दोनों के दोनों बुक्स अवेलेबल है, पेपर वन की और पेपर टू. पेपर वन की कंसेप्ट वाली भी और क्वेश्चन बैंक भी. सो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा, पढ़ाने का तरीका भी बता दिया और सारे जनरल अवेयरनेस जो स्टैटिक क्वेश्चन होता है मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है. ठीक है, कंसेप्ट वाली बुक में. सो दिस इज अबाउट पेपर वन. पेपर टू कॉमर्स या मैनेजमेंट, कॉमर्स के सारे यूनिट्स कवर हो रहे हैं, मैनेजमेंट की इसमें 7 यूनिट्स कवर होती हैं. सो इसके अंदर आप देख सकते हो टेबल ऑफ कंटेंट, इसके अंदर कंसेप्ट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, सब कुछ एक ही में अवेलेबल है. और बहुत ही अच्छे से इसका टेबल ऑफ कंटेंट भी आप समझ लीजिए कि जो कंसेप्ट्स हैं उसमें ये है. और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आजकल आता था वो भी मैंने दिया है. इसके नीचे वो दिया है कोड जिससे आप ई बुक हिंदी में अनलॉक कर पाएंगे. सो ये कॉमर्स की बुक है जिसमें सारे कंसेप्ट्स आपके बहुत ही प्यारे तरीके से गिवन है चार्ट फॉर्म में और एक ही जगह पे सारे के सारे फॉर्मूलाज. ये सारे डायग्राम मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं. एंड सारे कंसेप्ट्स होने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं ऑल यूनिट वाइज. एंड फिर जो लेटेस्ट 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और फिर उनके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा यूनिट के अंदर ही. फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 2021 के और 2022 के वो मैंने सीधा लास्ट में डाले हैं, तो ये सारे लास्ट में हैं. तो आई होप दिस इज क्लियर. सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट माय ऑल बुक्स एंड सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. ठीक है, सो यू विल बी एबल टू गेट इट फ्रॉम Amazon और Flipkart. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस टाइम. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर JRF. ड्रीम, बिलीव, एक्ट एंड अचीव. मेरा मकसद है कि सभी लर्नर्स के पास कंटेंट होना चाहिए और वो भी पूरा आना चाहिए. ये नहीं कि मैं शॉर्टकट कर करके कट कट कुट कुट करके फिर आपको दे दूं और ये ना हो कि उसी में से पेपर में आ जाए, तो आपका कुछ बचेगा नहीं और आपका सारा का सारा कंटेंट आपके पास आ गया है. ठीक है, चाहे आप फ्री लर्नर हैं, चाहे आप प्लस लर्नर हैं, नाउ यू कैन स्टडी ईजिली एक ही जगह पे. आपको कहीं और भागने की जरूरत नहीं है. एवरीथिंग आई कैन एश्योर इज विद यू. ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस टाइम. मीट यू सून. ड्रीम, बिलीव, एक्ट एंड अचीव. JRF इज माइन. इस बार JRF लेकर रहेंगे. थैंक यू.